डियर स्टूडेंट्स, सिंथेसिस पढ़ते पढ़ते अब हम आ चुके हैं दूसरे पायदान पर, और दूसरा पायदान है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाना। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं। तो इससे पहले कि हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाएं, पहले ये तो जान लें कि आखिर वो कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है, कैसा होता है। तो चलिए डेफिनेशन को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। देखिए जरा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अ कंपाउंड सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस इज वन, होता है एक ऐसा सेंटेंस होता है जो मिलकर बना होता है, मेड अप, जो बना होता है और ऑफ टू और मोर प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेज, जो दो या दो से अधिक प्रिंसिपल या मेन क्लॉजेज से मिलकर के बनता है। ओके, और वो दोनों ही मेन क्लॉजेज जुड़ी होती हैं, जॉइंट टुगेदर, और वो दोनों ही मेन क्लॉजेज जुड़ी होती हैं किसी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ऑलराइट, तो इसी डेफिनेशन को अब हम यहाँ पर ये दो दो सेंटेंसेस के दो सेट्स दिए हुए हैं, यहीं पर हम इस डेफिनेशन को लागू करके जरा देखते हैं क्या है। सबसे पहली बात तो ये देखिए, ये दो सेंटेंसेस हैं, क्या ये दोनों ही सेंटेंसेस प्रिंसिपल या मेन क्लॉजेस हैं? तो जरा देख लेते हैं, ये प्रिंसिपल या मेन क्लॉज क्या होती है। वही इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में क्लॉजेस नामक चैप्टर में मैंने आपको डिस्कस किया था। तो देखिए जरा, गॉड मेड द कंट्री, ईश्वर ने देश बनाया। तो जी हाँ, इस सेंटेंस से ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वास्तव में इससे पूरा अर्थ या पूरा भाव प्रकट हो रहा है, एक थॉट इससे प्रकट हो रहा है, और दूसरा थॉट इस वाक्य से भी प्रकट हो रहा है, मैन मेड द टाउन, और मनुष्य ने टाउन बनाया। ओके, तो ये दोनों ही सेंटेंसेस हैं। एक्चुअली ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुई और ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुई, क्योंकि ये दोनों ही सेंटेंस वास्तव में अपना अपना अर्थ अपने बलबूते पर प्रकट कर पा रहे हैं। ये दोनों किसी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इन्हीं को हम प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। अब सिंपली हमें करना क्या है कि इन दोनों ही क्लॉजेस को किसी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ देना है, और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हम यहां पर अप्लाई करेंगे वो होना चाहिए अप्रोप्रिएट, अर्थात उपयुक्त। अब कौन सा कंजंक्शन यहाँ पर उपयुक्त रहेगा, इसकी बात तो हम अभी थोड़ी देर बात करेंगे। फिलहाल हम आपको यहाँ पर एक उपयुक्त कंजंक्शन लगाकर दिखा देते हैं। पहले से ही हम यहाँ पर एंड लगा दें, ओके, और इस मैन का एम स्मॉल लेटर में कर दें। अब आप तो जानते ही होंगे हमने ये ऐसा क्यों कर दिया। वो इसलिए कर दिया क्योंकि सेंटेंस अब यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर जाकर फिनिश हो रहा है, समाप्त होगा। ओके, वहाँ पर समाप्त हुआ, तो बीच में अगर कोई प्रॉपर नाउन्स वगैरह है तो उनके पहला लेटर तो जरूर कैपिटल में होता है, बाकी अदर्स के जितने भी होते हैं वो सब स्मॉल लेटर में होते हैं, इसलिए हमने मैन को एम, अभी ये एक अलग सेंटेंस था इसलिए ये एम कैपिटल लेटर में था। ओके, यहां पर हम एक प्रथा भी है कि हम जब कभी एक मेन क्लॉज समाप्त होती है और कोऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होती है तो उससे पहले हम कॉमा भी प्लेस कर देते हैं। ऐसा प्रायः देखा गया है, लेकिन कई बार देखा गया है कि यहां पर कॉमा नहीं भी होता है, तो इसका मतलब है कि आप यहां पर कॉमा लगा भी सकते हैं और कॉमा नहीं भी लगा सकते। ओके, अब देखते हैं ये सेंटेंस बन गया एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया, क्यों? क्योंकि यहां पर दो मेन क्लॉजेस को हमने किसी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ दिया। बस सिंपली आपको यही काम करना सीखना है। ओके, एक और एग्जांपल है, उसको भी जरा देख लेते हैं। आई डिड माय बेस्ट, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। आई फेल्ड, मैं फेल हो गया। ये दोनों ही सेंटेंसेस, ये दोनों ही क्लॉजेस इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि दोनों ही अपने अर्थ को अपने बलबूते पर प्रकट कर पा रही हैं, इसलिए ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हुई, अर्थात ये भी प्रिंसिपल या मेन क्लॉजेस हुई, और इन दोनों ही मेन क्लॉजेस को अगर हम यहाँ से फुल स्टॉप हटाकर किसी एक एप्रोप्रिएट कंजंक्शन का प्रयोग कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा कंट्रास्ट दिख रहा है, तो कंट्रास्ट दिखाने वाला एक कंजंक्शन लगा देते हैं, और वो क्या है? बट। फिर वही बात, हम कॉमा यहाँ पर लगा सकते हैं। ओके, और इस प्रकार से हमने क्या किया कि इन दोनों ही सेंटेंसेस को बट, यानी जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उसकी सहायता से हम दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिए। अब ये दोनों सेंटेंस जुड़ करके अब एक कंपाउंड सेंटेंस की रचना हो गई। जी हाँ, अब ये दोनों ही सेंटेंस जुड़कर अब एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने लग गए। अब यहाँ पर है क्या, देखिए जरा, इसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए ये क्लॉज आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ओके,
यहाँ पर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए यहाँ से शुरू होने वाली क्लास ये कहलाई कोऑर्डिनेट क्लास, ये आपकी कहलाई प्रिंसिपल क्लास, ये आपकी कहलाई प्रिंसिपल क्लास। तो इसका मतलब क्या हुआ जरा देख लेते हैं कि जब कभी हम दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ देते हैं तो वही दोनों जुड़े हुए सेंटेंस जो मिलकर एक सेंटेंस बनता है उसी को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब आपको सीखना यह है कि ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेज होंगे, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज होंगे और उनको जोड़कर आपको एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। ओके, तो पहले तो ये सीख लेते हैं ये जो बेसिक्स हैं, फिर इसके बाद हम थोड़ी सी एडवांस्ड ग्रामर की ओर बढ़ेंगे जहाँ पर आप इस कंपाउंड सेंटेंस को एक थोड़े से नए स्वरूप में ही देखेंगे जिसके बारे में आपने न तो अभी तक सुना है और न ही अभी तक जाना है, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। पहला जो ये वीडियो है ये बेसिक्स पर है और इस वीडियो के माध्यम से पहले हम जान लें कि वास्तव में कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम कैसे एक नया कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि कंजंक्शंस कितने होते हैं और उन कंजंक्शंस का प्रयोग हम कब कब करते हैं, कैसी वो कंडीशंस हैं, यानी वो हमें ये जानना होगा कि यहाँ पर हम एंड का ही प्रयोग करें, हमें ये जानना होगा कि हम यहाँ पर बट का ही प्रयोग करें, हमें कैसे पता चलेगा कि हम इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग करें, हमें कैसे पता चलेगा कि इस प्रकार के जो दो सेंटेंसेस हैं इनको जोड़ने के लिए हमें बट का प्रयोग करना है। इट मीन्स आपको यहाँ पर कुछ कंडीशंस बताई जाएंगी कि ये अगर ऐसी कंडीशंस हों तो बट का प्रयोग करिए, अगर ऐसी कंडीशंस हों तो एंड का प्रयोग करिए। ओके, तो ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं ये चार प्रकार के होते हैं और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आप अगली स्लाइड में जरा देखिए और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें नोट भी कर लीजिए। तो ये वो कंजंक्शंस हैं जिनका प्रयोग आपको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए प्रयोग करना है। देखिए ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस चार प्रकार के होते हैं। पहले कंजंक्शन का नाम है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, ये वास्तव में जोड़ बताने वाले कंजंक्शंस हैं, इन पर अभी डिटेल्ड चर्चा करेंगे। दूसरे प्रकार के कंजंक्शंस हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, ये कंजंक्शंस विरोधाभास प्रकट करते हैं। तीसरे कंजंक्शन हैं अल्टरनेटिव कंजंक्शन, ये चॉइस प्रकट करते हैं या विकल्प प्रकट करने वाले कंजंक्शन होते हैं। और चौथे प्रकार के जो कंजंक्शन हैं उनको हम इलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं और वो इलेटिव कंजंक्शन एक्चुअली इन्फेरेंस बतलाते हैं, मीन्स आप कह सकते हैं उनको कारण या परिणाम जैसा कोई बात या कोई भाव प्रकट करते हैं। जरा ये देखिए कि ये कंजंक्शन कितने प्रकार के हैं, जरा इस पर भी दृष्टि डाल लेते हैं। इधर देखिए जरा, ये हैं वो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, आल्सो। फिर इसके बाद एडवर्सेटिव कंजंक्शंस पर आते हैं, ये हैं। फिर इसके बाद अल्टरनेटिव कंजंक्शंस के लिए ये कंजंक्शंस हैं और ये इलेटिव कंजंक्शंस हैं। आपको चाहिए कि आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में इसे नोट कर लें। बहरहाल ये चार प्रकार के कंजंक्शंस हैं। अब इन सभी कंजंक्शंस का सही प्रयोग आप सबको आना चाहिए, स्पेशली वो कंजंक्शंस जो पेयर में यूज होते हैं, पेयर मतलब मिस जोड़े में, जैसे कि ये बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, इस प्रकार के ये जो कुछ ऐसे कंजंक्शंस हैं जो पेयर में आते हैं, इन कंजंक्शंस का प्रयोग आपको बड़ी ही सावधानी से करना होगा। फिलहाल आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग हम किस प्रकार से कर लेते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए वो कौन सी कंडीशंस होती हैं या वो कौन से ऐसे रिलेशंस होते हैं दो सेंटेंसेस के बीच में जब हम क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं, और बड़ी बात यह है कि इनका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो आइए आज देखते हैं क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का यूज। ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं ये सामने लिखे हुए हैं, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एंड ऑल्सो। जरा देखते हैं कि इनका प्रयोग हम कब और किन कंडीशंस में करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, जब हमारे सामने दो या दो से अधिक ऐसे सेंटेंसेस रखे होते हैं जिनमें एक के बाद एक के बाद एक कई घटनाएं घटित होती चली जाती हैं, और वो भी कैसी, कंटिन्यूएशन में, एक घटना हुई फिर कंटिन्यूएशन में दूसरी घटना हुई फिर तीसरी घटना हुई, ऐसी अगर कोई सिचुएशंस हैं हमारे सामने तो उन वाक्यों को जोड़ने के लिए हम सिंपली एंड का प्रयोग कर लेते हैं, ऐसी घटनाओं को जोड़ने के लिए हम सिंपली एंड का प्रयोग कर लेते हैं। ओके, तो चलिए जरा
इन तीनों ही वाक्यों को जरा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर पहला सेंटेंस है स्ट्रेंजर, द स्ट्रेंजर केम टू मी, अजनबी मेरे पास आया। ही गेव मी अ बॉक्स, उसने मुझे एक बॉक्स दिया। ही वेंट बैक, वो वापस चला गया। देखिए यहाँ पर एक के बाद एक तीन एक्शंस हो रहे हैं। केम आने का एक्शन हुआ, आया वो। दूसरा काम कंटिन्यूएशन में क्या हुआ, उसने मुझे एक बॉक्स दिया, देने का काम हुआ। और तीसरा काम कंटिन्यूएशन में हुआ कि वो वापस चला गया। बस ऐसे अगर कंटिन्यूटी आपको दिखाई पड़ती है तो हमें क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करना चाहिए उन वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो चलिए जरा इन वाक्यों को हम कैसे जोड़ सकते हैं, देखिए। द स्ट्रेंजर केम टू मी। अब यहां पर अगर यही सेंटेंस केवल दो सेंटेंसेस होते तो हम बीच में एंड लगा देते, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर तीन सेंटेंसेस हैं तो हम यहां पर कॉमा लगा देंगे, ओके। और कॉमा लगाने के बाद अगर सब्जेक्ट सेम ही है तो हम सब्जेक्ट को यहां से हटा देते हैं, केवल वर्ब को लेते हैं। गेव मी अ बॉक्स, सेंटेंस क्या बना अभी तक, द स्ट्रेंजर केम टू मी, स्ट्रेंजर मेरे पास आया। गेव मी अ बॉक्स, मुझे एक बॉक्स दिया। एंड अब थर्ड सेंटेंस है, अब जरा सोचिए अगर चौथा वाक्य भी होता तो हम फिर से कॉमा लगा देते और इस सेंटेंस को फिर लिख देते और फिर बाद में एंड लगाते। तो जरा देखिए यहां पर ये तीसरा सेंटेंस है और हमें अंत वाले सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग करना चाहिए, ओके। एंड वेंट बैक, और वापस चला गया। अब देखिए जरा ये तीनों ही सेंटेंस हमने किस प्रकार से जोड़ दिए। पहले दो सेंटेंसेस के बीच में कॉमा लगा दिया और इसके बाद आगे गए, एंड कंजंक्शन लगाया और वेंट बैक, वापस चला गया। ऑलराइट, इस प्रकार से ये तीनों ही सेंटेंस जुड़ गए। तो आप देखिए यहाँ पर ये थ्री क्लॉजेज हैं, एक क्लॉज ये हुई, एक क्लॉज ये हुई और एक क्लॉज ये हुई। और इन तीनों ही क्लॉजेज में एक कॉमा का प्रयोग किया गया है और एक एंड यानी इस क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किया गया है। और इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया कंपाउंड सेंटेंस, ओके। अब अगला सेंटेंस भी जरा गौर से देखिए, यहां पर कुछ मैं विशेष आपको बतलाने जा रहा हूं, वो क्या है देखिए जरा। राम वेंट टू सी द फेयर, राम मेला देखने गया। श्याम ऑल्सो वेंट, श्याम भी गया। अब इन दोनों सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि जो प्रेडिकेट पार्ट है वो सेम है, प्रेडिकेट पार्ट है जो वो सेम है। अब ऐसे स्थिति में बहुत सारे बच्चे यहां पर गलती कर जाते हैं, या आप गलती कहें या क्या कहें, बट यहाँ पर वास्तव में क्या, राम और श्याम दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट हैं, तो इन्हीं को जोड़ दिया जाता है। अगर राम एंड श्याम करके जोड़ दिया गया और फिर अगर लिख दिया गया राम एंड श्याम वेंट टू सी द फेयर, ओके। तो अब देखिए कि ये जो एंड होता है, इनफैक्ट ये दो शब्दों को भी जोड़ देता है, और अगर ये दो शब्दों को जोड़ देता है तो ये सेंटेंस फिर सिंपल सेंटेंस ही बना रहता है। मैंने आपको एक वीडियो में बतलाया था जहाँ पर कंजंक्शन का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो आपको एंड का प्रयोग करते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एंड से स्पष्ट रूप से दो एक्शन वर्ड्स यानी दो फाइनाइट वर्ब्स जुड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये दो फाइनाइट वर्ब्स नहीं है, एक्चुअली ये दो नाउंस हैं और ये दोनों जुड़ गए, तो ये इम्फैटिक कम होता है। इसकी तुलना में अगर देखते हैं तो ये जो जितने भी कंजंक्शंस हैं ये ज़्यादा इम्फैटिक हैं, और जब भी इनका आप प्रयोग करोगे तो वो तो कंपाउंड सेंटेंस ही बनाएंगे, बट यहाँ पर जो एंड होता है ये सिंपली दो नाउंस को जोड़ करके और इसे एक सिंपल सेंटेंस बना देता है। इसलिए यदि आपको इसे एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो आपको कुछ इस प्रकार से इस सेंटेंस को जोड़ना होगा। कैसे, राम वेंट टू सी द फेयर एंड श्याम ऑल्सो वेंट, आपको इस तरीके से इस सेंटेंस को जोड़ना होगा, तब ये जाकर के एक कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। कम से कम दो क्रियाएं तो जुड़ी ही होनी चाहिए जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही हों एंड के मामले में। लेकिन अगर आप चाहें तो एंड के स्थान पर जब आप मोर इम्फैटिक वर्ड्स यूज कर लेते हैं, कंजंक्शंस यूज कर लेते हैं, तो फिर वो कंपाउंड सेंटेंस ही बनेगा। कैसे बनेगा जरा देखिए, अगर आप यहां पर एंड के स्थान पर जोड़ देते हैं क्या, सिंपली राम
एज वेल एज अगर आप जोड़ देते हैं, यहाँ पर राम और श्याम के बीच में क्या एक कंजंक्शन है एज वेल एज, तो अब ये जरूर कंपाउंड सेंटेंस बन गया क्योंकि ये मोर इम्फेटिक होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये दोनों वर्ड्स जनरली आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि जैसे कि ये कॉमन सेंस में यूज़ किए जाते हैं और इनको साइनोनिम के रूप में बहुत सारे लोग इनको यूज़ करते हैं, बट लिसन टू मी, ये दोनों ही वर्ड्स अपने भाव में और अपने प्रयोग में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। मैं कभी किसी अकेले एक वीडियो में ही केवल एंड और एज वेल एज के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर करूंगा, बट ये ध्यान में रखिएगा कि इनके एंड और एज वेल एज दोनों एक दूसरे के साइनोनिम्स नहीं हैं। वैसे इसका भी अर्थ और, तथा या साथ ही साथ होता है, और एंड का मतलब भी और होता है, बट इनमें सेंस जो इम्प्लाइड सेंस होता है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, उसे आप एक अलग वीडियो में ही देखेंगे। वेल आगे देखते हैं, यहां पर हम एज वेल एज का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका मतलब हो गया राम साथ ही साथ श्याम भी मेला देखने गया। अब ये सेंटेंस तो आपका कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा, ओके, ये सेंटेंस आपका कंपाउंड बन गया। अब अगर इन्हीं प्रकार के दोनों सेंटेंसेस को और जोड़ दिया जाए, बोथ एंड से जोड़ दिया जाए, तो भी ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। कैसे, देखिए जरा, आपको बोथ का प्रयोग पहले करना है, बोथ राम एंड श्याम, एंड श्याम वेंट टू सी द फेयर, ऑलराइट। तो यहां पर आपने देखा तो बोथ राम, अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर बोथ राम के बाद ये प्रेडिकेट जो है ये छुपा हुआ है और श्याम के साथ में ये वेंट लगा हुआ है, ये ध्यान में रखिए। कुल मिलाकर आपको ये देखना है कि अगर बोथ एंड लगा हुआ है, बोथ और एंड से दो नाउंस भी जोड़ दिए गए हैं और सिंपली एक प्रेडिकेट दिया गया है, तो भी वो सेंटेंस कंपाउंड ही होता है। लेकिन अगर बोथ नहीं है, केवल एंड है, तो फिर वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहा जाएगा। ये आपको हमेशा ही ध्यान में रखना है। तो जब कभी भी आप कंपाउंड सेंटेंस बनाएं तो एंड का प्रयोग, केवल एंड का प्रयोग करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए, और एंड का ही केवल अगर जब प्रयोग करेंगे, दो स्पष्ट क्रियाएं सामने होनी चाहिए, दो स्पष्ट फाइनाइट वर्ब्स को जोड़ना चाहिए, ऑलराइट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और जल्दी से देखते हैं ए नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग भी देखते हैं, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर आपको जब नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करना हो तो उसका प्रयोग आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, मैंने यहां पर 3 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं और इन तीनों ही एग्जाम्पल्स में इस नॉट ओनली का और बट ऑल्सो का प्रयोग भिन्न भिन्न तरीके से किया गया है। अब जरा देखें उसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। देखिए, पहले ध्यान से सेंटेंस को पढ़ते हैं। बाबर वॉज अ ग्रेट सोल्जर, बाबर एक महान सोल्जर था। दूसरा सेंटेंस, ही वॉज अ वाइज रूलर ऑल्सो, वो एक बुद्धिमान शासक भी था। यहां पर इन सेंटेंसेस में आप नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग हिंदी में कैसे कर लोगे। बाबर न केवल एक ग्रेट सोल्जर था बल्कि एक वाइज रूलर भी था, आपको ऐसा कहना है। तो आप हिंदी में तो कभी भी कुछ भी कह देते हो, ग्रामर का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हो, लेकिन अंग्रेजी में कहते समय आपको इस नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। देखिए जरा आपको किन बातों का ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करते समय ये देखना है कि दोनों ही सेंटेंसेस में जो कॉमन चीज़ें होती हैं, जो कॉमन चीज़ें होती हैं उन्हें उसे एक बार लिखते हैं, और जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं वास्तव में वही जो डिफरेंट वर्ड्स हैं या चीज़ें हैं जो बातें हैं उन्हीं डिफरेंट बातों को ही वास्तव में नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बीच में रखा जाता है। ज़रा देखें यहाँ पर क्या डिफरेंट है और क्या कॉमन है। देखिए, बाबर वॉज अ ग्रेट सोल्जर, बाबर वॉज, और दूसरे सेंटेंस में देखें ही वॉज, तो ये ही कौन है, बाबर ही है, और वॉज देखें तो इस सेंटेंस में, इस क्लॉज में बाबर वॉज ये, और इस सेंटेंस में ही वॉज ये हिस्सा और ये हिस्सा, मीन्स सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, ये दोनों ही कॉमन है, ऑलराइट। अब जबकि ये कॉमन है तो हमें इन दोनों में से केवल एक को ही लिखना है,
ओके और उसके बाद हमें नॉट ओनली का प्रयोग करना है। तो जरा देखिए बाबर वाज, हमने यहां पर क्या किया है, बाबर वाज पहले लिख दिया है। इसके बाद देखते हैं जो डिफरेंट पोर्शन होता है उसी डिफरेंट पोर्शन को ही नॉट ओनली और बट ऑल्सो से जोड़ा जाता है। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं, तो बाबर वॉज कर दिया, ये डिफरेंट पोर्शन है और वो डिफरेंट, तो यहां से डिफरेंट पोर्शन है तो इस डिफरेंट पोर्शन से पहले नॉट ओनली लगाया। देखिए सो बाबर वॉज नॉट ओनली और फिर इस हिस्से को रख दिया अ ग्रेट सोल्जर। ओके जो कॉमन पोर्शन है उसको हमने हटा दिया और फिर इसके बाद हमने बट ऑल्सो लिखा और बट ऑल्सो के बाद में जो डिफरेंट पोर्शन है उसको लिख दिया। ओके तो इस प्रकार से हम नॉट ओनली और बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। आगे वाले सेंटेंस में जरा गौर से देखिए, ही टीचेज मी, वो मुझे पढ़ाता है, साथ में ही पेज माई फी ऑल्सो, वो मेरी फी भी पे करता है, मेरी फीस भी चुकाता है। अब जरा देखिए कि इन दोनों ही सेंटेंस में कितना पार्ट कॉमन है और कितना डिफरेंट है। देखिए जरा ही और ही, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, और टीचेज यहां पर पेज, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर देखिए टोटल प्रेडिकेट पार्ट जो है वो डिफरेंट है। यहां पर देखिए ये प्रेडिकेट पार्ट आपका डिफरेंट है, केवल और केवल यहां पर ही अर्थात सब्जेक्ट अकेले कॉमन है। तो आप ध्यान में रखिए कि अब जब हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करेंगे तो इससे पहले ही हम नॉट ओनली का प्रयोग करेंगे और इसके बाद ये पूरा प्रेडिकेट लिखने के बाद फिर बट ऑल्सो का प्रयोग करेंगे और फिर दूसरा प्रेडिकेट लिखेंगे। कैसे जरा देखिए, ही नॉट ओनली, ही नॉट ओनली टीचेज मी। अब यहां पर आप बट ऑल्सो लगाएंगे, बट ऑल्सो पेज, ओके बट ऑल्सो पेज, अब इस ही को नहीं लिखेंगे, ओके बट ऑल्सो पेज माई फी, माई फी, इस प्रकार से हम इसका यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, अब थर्ड एग्जाम्पल को जरा देखिए, इस थर्ड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है देखिए जरा, मुकेश हैज ए कार, हिज ब्रदर ऑल्सो हैज ए कार। अब इसको बड़े गौर से देखिए, देखिए यहां पर मुकेश और यहां पर हिज ब्रदर, अब देख रहे हैं आप कि इस अगले सेंटेंस में और इस सेंटेंस में यानी थर्ड एग्जाम्पल में दोनों के सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं और जो प्रेडिकेट पार्ट है वो सेम है। ये देखिए जरा, मुकेश हिज ब्रदर ये सब्जेक्ट हुए और हैज कार ये प्रेडिकेट हुए, तो प्रेडिकेट सेम है और सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं। अब अगर ऐसे स्थिति है तो ये जो डिफरेंट पोर्शंस हैं इनको नॉट ओनली से जोड़ना चाहिए बट ऑल्सो से जोड़ना चाहिए। तो अब जो डिफरेंट पोर्शन है वो ये है, तो अब हमें वाक्य के स्टार्टिंग में ही नॉट ओनली का प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे जरा देखिए, नॉट ओनली, नॉट ओनली मुकेश, ओके अब ये वाला तो कॉमन सेक्शन है इसलिए एक को तो हटा देंगे और इस डिफरेंट पोर्शन को रखने से पहले हमें बट ऑल्सो का प्रयोग करना चाहिए, बट ऑल्सो हिज ब्रदर, बट ऑल्सो हिज ब्रदर क्या हुआ, हैज ए कार, यहां पर आपको हैज ए कार। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए और केवल जो डिफरेंट पोर्शंस हैं उन डिफरेंट पोर्शंस को ही हम नॉट ओनली और बट ऑल्सो से जोड़ते हैं। इस प्रकार से आप इन क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। अब आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे वो बाकी के कंजंक्शंस, ये तो क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस हो गए, अब इसके बाद आपको अल्टरनेटिव कंजंक्शंस उनका यूज़ देखना है, फिर इसके बाद इलेटिव कंजंक्शंस उनका यूज़ देखना है, और भी कुछ कंजंक्शंस हैं उन सभी कंजंक्शंस का यूज़ हम अगले वीडियो में देखेंगे पार्ट टू में। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और उस बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए, वहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, तभी आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। लेकिन एक काम आपसे और भी है और वो ये कि दूर दूर गांव गांव तक इस वीडियो को, इन वीडियोस को जाना चाहिए, उन बच्चों को भी लाभ मिलना चाहिए। इसलिए बस आज इतना ही, धन्यवाद।